हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको हैंड्स के अंदर और फिंगर्स के अंदर नमनेस फील होती है, आपके हाथ सुन्न रहते हैं, तो मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आपको इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बात करते हैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको मिलेंगे कहाँ पे। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथों के अंदर मिलेंगे। पहला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेगा वो हमारे इस यहाँ पर मिलेगा, LI4 थंब के और इंडेक्स फिंगर के बीच में आपको ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर इसका जो जॉइंट है, आप प्रेशर देते हुए आप यहाँ नीचे तक आओगे तो आपको यहाँ पे इसका जो एंड मिल रहा है वहाँ पर आपको ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर इस पॉइंट को आपको प्रेशर देना है इस तरह, 2 मिनट तक आपको प्रेशर देना है इस तरह। आप दबा के भी रख सकते हो उसको, इस तरह भी प्रेशर दे सकते हो, फिर अंगूठे से आप इसको इस तरह भी प्रेशर दे सकते हो। दोनों हाथों पर आपको ये पॉइंट मिलेगा। देखो ये जो हमारा ये आपको वी बन रहा है ना, यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिलेगा। डिप्रेशन फील होगा आपको यहाँ पर। दूसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेगा वो हमारे रिस्ट जॉइंट के नीचे मिलेगा। आपको क्या करना है, 3 फिंगर को इस तरह रखना है, जहाँ चौथी फिंगर टच हो रही है यहाँ पर आपको दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर प्रेशर देना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेगा वो हमारे रिस्ट के पीछे की तरफ मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 फिंगर को इस तरह रखना है और जहाँ चौथी फिंगर टच हो रही है सेंटर में आपको ये पॉइंट मिलेगा। इस तरह आपको प्रेशर देना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 2-3 मिनट तक आपको प्रेशर देना है। चौथा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेगा वो हमारे, आपको क्या करना है, अपने हाथ को इस तरह रखना है, इसको क्लॉक करना है इस तरह, है ना। और जहाँ हमारी फिंगर टच हो रही है, इंडेक्स फिंगर का जो टॉप है ये टच हो रहा है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिलेगा, चौथा जो पॉइंट मिलेगा। एक बार वापस देख लीजिए, आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह रखना है, अंगूठे को इस तरह लॉक करना है इस तरह, और जहाँ अंगूठे की लाइन में आपको, ये जो हमारा अंगूठा है इसकी लाइन में आपको इस तरह लॉक करना है, जहाँ ये टच हो रहा है यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पर आपको प्रेशर देना है इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इन चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक प्रेशर देना है और आपको दिन में 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। ऐसा आपको कुछ दिन तक रेगुलर करना है, कुछ ही दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।